if as to the breakdown of seats in the National Assembly, page 194 अगर आप देख लीजिएगा kindly. ये तमाम जनरल सीट्स जी 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 जो कि जिस पार्टी ने जी जीती है जी जी 194 मैं अगर आपको बता दूं मेन मेन पार्टीज अगर आपके सामने है 194. Does these include these seats or no? इंक्लूड करती हैं. यस इंक्लूड करती हैं. ग्रैंड टोटल भी दिया हुआ है एंड में. मैं उस पे भी आता हूँ. आप सिर्फ वो बता दें जो ओरिजिनली जनरल सीट्स जी 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 194 अगर आप देख लीजिए जो सिक्योर की जी जी मैं 190 सर ये कौमी असेंबली का बता रहे हैं जी जी कौमी असेंबली 194 83 PMLN 52 पाकिस्तान पीपीपी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर रिकग्नाइज्ड एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 17 JUI पाकिस्तान 6 पाकिस्तान मुस्लिम लीग 4 इस्तकाम. ये कौन सी मुस्लिम लीग है? काफ लीग है सर. ये काफ लीग है. अच्छा तो क्यों आप लिखे हैं जी? ओके सर वो ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने. अच्छा ओके जी हाँ सर. इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी 3 मजलिस वहदत मुस्लिमीन 1 एंड देन देर इज द जिया ग्रुप देन एवरी वन एल्स हैज 1. As my learned attorney general pointed out, independents are 7. Then there is this breakdown. अगर आप देख सकते हैं National Assembly में ये reserve seats का भी given है. And then there is a grand total at the end. This contains all reserve seats, disputed and undisputed of National Assembly. इसलिए आप अगर नीचे टोटल देखेंगे तो नॉन मुस्लिम 9 दिखाई हुई है वो 58 दिखाया हुआ है विच इज इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 51 60 एंड वो. सो दिस इज द ग्रैंड टोटल. अब इफ आई मे कम टू द प्रोविंशियल असेंबली ये जो आपने 194 पेज पे फैसल साहब जी 194 पेज पे जो आपने चार्ट लगाया जी आपने खुद बनाया या किसी? नो 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 दिस इज नोटिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन. सो दे हैव नोटिफाइड द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज अ पॉलिटिकल पार्टी. यस एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी दे शो 82 सीट्स. यस नॉट इंडिपेंडेंट. नो सो द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ डज नॉट acknowledge them to be independents. Yes, my lord. They acknowledge them as a part of Sunni Ittehad Council who had legitimately joined the Sunni Ittehad Council within 3 days under Article 51. Which ये I तो, will show ये, to you. ये तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको देखेंगे इस पॉइंट पे आएंगे तो इनका फेट पहले से डिसाइड उस वक्त होता है जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं सेक्शन 66 इलेक्शन एक्ट के तहत. वहाँ से मालूम होता है कि कौन से कैंडिडेट किस पार्टी से है. yes. कौन से कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है. तो हमने ये तो उस बात है देखिए वेदर द कैंडिडेट्स हु वर इलेक्टेड. फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए थे वो 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक थे. yes. 2023. yes. क्या इस दौरान ये जो कैंडिडेट थे जो वहाँ चले गए सुनी इत्तेहाद में इनको किसी पार्टी से एफिलिएशन सर्टिफिकेट मिला था? सर आई विल कम टू दैट क्वेश्चन. आई विल कम टू दैट. सब बताएंगे जी जी. नहीं नहीं मैं बता सकता हूँ सर. हुआ ये था. नो नो मिले थे सबको. हुआ आप कैंडिडेट थे ना सबको मिले थे. हुआ इन नॉमिनेशन पेपर सबमिट में अलोंग विद सर्टिफिकेट. वी हैड आल्सो सबमिटेड. इसको माइंड में रखे आगे. जी वी हैड आल्सो सबमिटेड. PTI had also submitted their list for reserve seats, but since we were denied, according to section 104, Faisal sahab, this is very important. में nomination है उसकी. Faisal sahab, जो my lord Mantukhel sahab ने पूछा है, जी, जब आपने ये 82 लोगों ने जब अपने returns file किए थे, उसके साथ political party की affiliation show की थी, जी, show की थी. That's the pertinent question. फिर आप चलेंगे आप इसको इसी से यहीं से ले लें, जी. तो फिर हमें आप सिर्फ ये समझा दें.
कि ये किस तरह से इंडिपेंडेंट कहलाएंगे जी, मैं उस पे भी आता हूँ। ये इंडिपेंडेंट थे या किसी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी? दीज वर इंडिपेंडेंट, द रीजन बीइंग टू शो अस फ्रॉम द लॉ वेदर दे वर इंडिपेंडेंट और दे वर एफिलिएटेड with any party. There was litigation on this and the election commission declared that you cannot stand as a PTI candidate, you are independent. Is pe litigation. Then question arises whether keeping in view section 66 ko baad mein padh lenge ji ki kya election commission ke paas ye ikhtiyar hai ki ji party kisi ko nominate karti hai, affiliation certificate de deti hai aur wo candidate ki bhi khwahish hai ki main fulan party se aaun ji, kya ye ikhtiyar इलेक्शन कमीशन को है कि वो उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये इख्तियार उस कैंडिडेट को है कि एक दफ़ा वो कागजात जमा कर दे एक पार्टी की तरफ से, वो उस पार्टी से वापस निकल सकता है, नंबर टू। नंबर थ्री, क्या उस पार्टी ने जिसने सर्टिफिकेट दिया है वो इसको एक्सपेल कर सकता है कि वो सीट जीत जाता है? दिस विल गो द योर लॉर्डशिप इज इज वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड द इशू इज दिस इज आई थिंक दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द सेंट्रल क्वेश्चन। प्लीज नोट दैट, कैन यू जस्ट गेट द फैक्चुअल एस्पेक्ट आउट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।